की माला है राजाओं की माला, जहाँ हर धर्म के श्रेष्ठ आत्माएं मौजूद है। इनमें से अन्य धर्म वाले राजाई को कब पाते हैं? अपना अपना धर्म आने पर या सभी सब धर्म में राजा बनते हैं? साठ में प्रश्न करिए, नंबर थोड़ा आप समझ लीजिए। साठ एक सौ आठ माला में सभी धर्म वालों का बारह बारह होते हैं ना, वो भी राजा ही लेते हैं। वो जब अपना धर्म में जाते हैं तब वो राजा ही लेते हैं, या सभी धर्म में वो राजा ही लेते हैं? जो जिस धर्म के हैं वो उसी धर्म में जाकर के, अगर दूसरे दूसरे धर्म के मर के हैं तो दूसरे धर्म का फाउंडेशन जब लगाएंगे, जिस समय फाउंडेशन लगाएंगे उस समय जाकर के वो फाउंडेशन ही सिर्फ लगाएंगे, फाउंडेशन लगा के फिर उनको वापस आना। द्वापर युग में और कलयुग में तो राजा ही उनको करनी है, वो तो एक प्रकार से एक जन्म का पुरुषार्थ और एक जन्म की राजा ही। लेकिन यहाँ सत्य वत्रेता में जो कुछ प्राप्ति होती है वो तो इस एक जन्म की पुरुषार्थ होती है। यहाँ जो पावेंगे वो तो अभी अभी फिक्स हो जाता है। जो सेकंड नारायण को फॉलो करेंगे वो सेकंड नारायण के राज्य में ही राज्य करेंगे, माना सहयोगी बनेंगे। सत्य में तो एक ही महाराजा होता है, महाराजा बनने का सवाल ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ राज्याधिकारी बनेंगे। त्रेता में जाकर राजा बन सकते हैं अलग अलग, त्रेता में अनेक राजा होते हैं। तो वो भी जिस धर्म का नारायण होता है उसी धर्म का जाकर के, वो उसी नंबर का जाकर के राम सीता बनता है, उसी राम सीता के राज्य में वो राज्याधिकारी बनेंगे या राजघराने आ गए। सोलह हजार एक सौ आठ माला में सभी लोग राज परिवार में आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दासी का पार्ट भी बनते हैं। तो इससे भी बढ़िया बात है प्रजावर्ग में आना। तो कौन से प्रजावर्ग में, साढ़े चार लाख प्रजावर्ग में या एक हजार आठ की प्रजावर्ग में? प्रजावर्ग तो पहले नंबर का ही अच्छा होता है, तब ज्ञानी तो आत्मा होगी। दूसरे नंबर की जो प्रजा होगी या तीसरे नंबर की जो प्रजा होगी या लास्ट नारायण की जो प्रजा होगी, वो तो जैसा नारायण वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं, पहले नंबर का नारायण है या नर से जो नारायण बनता है उसकी प्रजा भी उसी तरह की होगी, नर से नारायण बनने वाली। 33 करोड़ आत्माएं जब जीव मुक्ति को पाते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं। 33 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं, वो किसी शरीर में नहीं प्रवेश करते हैं। 33 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में नहीं प्रवेश, 10 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं, और बाकी जो 23 करोड़ है वो किसी में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके फिर बाद में जन्म लेंगे, क्योंकि एक जन्म की जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। तो देवता धर्म की आत्माओं को क्यों नहीं एक जन्म की मुक्ति मिलेगी? अगर गर्भ जेल में आएंगे द्वापर कलयुग में फिर तो सजा खा जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले बच्चे कितने होंगे? सिर्फ 16,108 या उनसे भी ज्यादा? सत्य और त्रेता में बाप ने आने वाले बाद में आने वाले माना कम जन्म लेने वाले भी ये अनुभव करेंगे क्या? जिन्होंने राजयोग सीखा है वो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे नंबर वन, और जो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे वो यतीन्द्रिय सुख होंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं, प्रजावर्ग में रहे या संदेश ले लिया और फिर घर में बैठ गए, तो वो तीन सुख का अनुभव कैसे करेंगे? तो वे भी स्वर्ग में आ जाएंगे लेकिन वो सुख नहीं पाते हैं। वो तीन सुख तो यहाँ का है, संगम दुख का। आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना वो ओरल प्रश्न पूछे तो ज्यादा अच्छा है,
प्रेता के अंत तक कंटिन्यू होता है या अतीन्द्रिय सुख माने जो संगम युग का गायन है अतीन्द्रिय सुख का माने इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रियों से परे का सुख है वहाँ जो भी सुख होगा वो इंद्रियों का सुख होगा बच्चे की पैदाइश वहाँ मुख से होगी दृष्टि से होगी तो दृष्टि का सुख होगा ऐसे थोड़ी कहेंगे अतीन्द्रिय सुख है अतीन्द्रिय सुख कहाँ का गायन है बाबा मगर आप मगर मूल्य में 2500 वर्ष तक का दिन जैसे गायन 2500 मतलब वो है इंद्रिया जो है वो देवान थोड़ा थोड़ा नीचे उतरता है सत्युग में मुख तक रहता है त्रेता में बाहु भुजाओं तक आता है और द्वापर में नीचे उतर जाता है 10 इंद्रियों तक यज्ञ का आरंभ और अंत जापान से शुरू होती है इसका अर्थ क्या है यज्ञ का आरंभ और जापान जापान से सेवा शुरू हुई है सेवा शुरू हुई यज्ञ थोड़ी और अंत ज्ञान की शुरुआत तो कलकत्ते से हुई कलकत्ते में ज्ञान का बीजारोपण हुआ तो कलकत्ते से कहेंगे जापान से थोड़ी जापान से सेवा की शुरुआत हुई मैंने चित्र वगैरह जो चित्र वगैरह बने हैं वो जापान से पहले पहले चित्र बनाए गए झाड़ और इसके त्रिमूर्ति गोले के चित्र वहां से छप करके आए थे और बाबा मनन चिंतन करना सेकंड क्लास यान बताया है वहाँ उनसे भी पाप कटौती होती है या पाप तो कटौती तब होती है जैसे कि सोना जब आग में डाला जाता है तो तीव्र अग्नि होती है तब पाप भस्म होते हैं उससे तो प्रैक्टिस हो रही है मनन चिंतन मंथन की तो पाप नहीं आप तो तीव्र अग्नि में कटेंगे तीव्र अग्नि जो होगी तभी तो भस्म होंगे प्रैक्टिस हो रही है तो फर्स्ट क्लास याद में जब जब जो फर्स्ट क्लास याद में टिकते जा रहे हैं तब पाप तेजी से भस्म होंगे अभी धीमी याद में तो पाप कम भस्म होंगे और पाप बनेंगे ज्यादा यहाँ संग ज्ञान में आने के बावजूद भी विकर्म करते हैं तो 10 गुना भूत चढ़ा 100 गुना भूत चढ़ जाता है तो भस्म ज्यादा हुए या चढ़ोतरी और ज्यादा हुई है इसीलिए अवस्थाएं नीचे गिर रही है सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तम 4 स्टेज में से गुजरना पड़ता है तीव्र अग्नि शुरू होगी फिर पाप तेजी से भस्म होना शुरू होंगे फिर गुंजाइश नहीं रहेगी विकर्मों में माला में सिर्फ रुद्र माला मन के होंगे या विजय माला मन के भी ऐड हो जाएंगे विजय वाले मन के ऐड नहीं होंगे बिना उनके तो कुछ होना ही नहीं है हर माला में 54 विजय माला के मन के तो उनका अर्थ ही है कि विजय दिलाने वाले मन के रुद्रमाला में विजय नहीं प्राप्त कर पाते इंद्रियों के ऊपर विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त होती रुद्रमाला का टाइम भी पूरा हुआ विजय तो हो ही नहीं तो वो सहयोगी वो ग्रुप जब तक ना आए तब तक रुद्रमाला की मन की विजय माला में ऐड होने योग्य है ही नहीं वो सहयोगी बनेंगे तब विजय होगी आदि में जब ज्ञान सूर्य बाप यज्ञ छोड़कर चला जाता है तब सारे सूर्यवंशी बच्चों ने उनके पीछे पीछे चले जाते हैं है। क्या उनमें से सब जन्म का बीज भी मौजूद होंगे या सिर्फ असली सूर्यवंशी मौजूद होंगे सभी थे
अभी से नौलाख आबादी वहाँ की थी, सिंध हैदराबाद की, सभी को संदेश तो सभी को मिला, तो संदेश लेने वाली प्रजावर्ग की आत्माएं जब सब वहाँ थी, तो जो राजवर्ग में आने वाली आत्माएं थी वो भी सब वहाँ मौजूद थी। इनके पीछे पीछे वो भी चले जाते हैं, सूर्यवंशी सारे ही जाते हैं, सूर्यवंशी वाली नौला। बाबा वो नौला की सिंध हैदराबाद में है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दादी जी जो है ना वो भी वो भी तो आई है। हाँ वो भी तो आई बाद में, और वो तो उनको तो एक एक जन्म ही कम हो जाएगा। वो तो इतना घृणा करती है एडवांस ज्ञान से कि भले हम ज्ञान नहीं लेंगे, भले हम स्वर्ग में आए या ना आए, तो जीवन में रहते रहते तो स्वर्ग में आने से रहे, तो उनका अंत मत संकल्प ही ऐसा बन रहा है। ब्रिटिश एम्पायर में रानियों को महत्व ज्यादा देते हैं, यूरोप में वे ही गद्दी पर बैठेंगे बहुत सारे समय और उनका डायनेस्टी भी चलती है। माना क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया आदि, ऐसे क्यों बाबा? पुरुष के ज्यादा, पुरुषों क्योंकि कृष्ण की आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाती है ना, कृष्ण क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, तो वह कन्या माताओं को आगे कर देते हैं। लक्ष्मी जब आवेगी तब नाना मृत को किन किन बच्चों को बांटेंगे, क्योंकि रुद्रमाला मंडल के सभी लोग बाप से ही डायरेक्ट नाना मृत को पीते हैं, तो लक्ष्मी का काम क्या बचता है, किसको? प्रैक्टिकल तो वही करेगी, सिर्फ ज्ञान सुनाना सुनाना थोड़ा ही होता है, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और दूसरों को कराना, यही तो मुख्य बात है। भाषण कर देना से पूरा थोड़ा ही हो जाता है, भाषण कर दिया, सुन लिया, सुना लिया, जीवन में जो प्योरिटी धारण करनी है, जो मुख्य धारणा है, वो तो धारण हुई नहीं। तो फिर हम फिर से ज्ञानामृत लेंगे। बाबा ने तो बोला है कन्या माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है, कन्या माताएं जो है वो शिव शक्तियां बनती हैं, पवित्र प्रतिमा स्थापन करने के लिए तो कन्या माता ही निमित्त बनती हैं, पुरुष तो सारे ही दुर्योधन दुशासन, उनमें रामकृष्ण की आत्मा भी उस रूप में आ जाती है, भले परसेंटेज है लेकिन है तो पुरुष। जब बच्चों की पैदाइश होती है माता पिता उनके द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, और उसमें बाद में मतलब गर्भ में दोनों का हिस्सा बीज जाता है, और आत्मा तो बाहर से प्रवेश होती है। हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग होती है, फिर भी वो बच्चा अपनी माता पिता के संस्कारों को कुछ न कुछ लेती है, ये कैसे? संघ कर्म से या अलग बातें? जैसे अभी दुनिया में दोनों बातें चल रही है, वंशान क्रम से भी बहुत से गुण अवगुण आते हैं, और साथ साथ वो आत्मा जो पूर्व जन्म से पुरुषार्थ करके आई है वो स्वभाव संस्कार भी उसके अगले जन्म में जाते हैं। मनसानुक्रम माने खून, और पूर्व जन्म का जो किया हुआ पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के आधार पर जो गुण आते हैं वो अलग बात है। तो हर आत्मा के अंदर दोनों बातें होती हैं, यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ का संगम का किया हुआ पुरुषार्थ है वो भी जन्म लेने के बाद ऐड होगा, और जो जहाँ जन्म लेंगे वो उनका भी कुछ न कुछ रक्त संचार उनके अंदर आएगा, खून का संबंध बनेगा। इसलिए तो चंद्रवंशी जो है वो सूर्यवंशी के गुणों को ज्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं, दूसरे धर्म वाले नहीं कर पाए होते हैं।
साइंस वालों ने बताते हैं कि एक शिशु का जन्म होने के लिए माता और पिता दोनों का आधा आधा हिस्सा होना चाहिए, माना रज और वीर्य। पर यहाँ तो आपने बताया कि माँ सिर्फ धरणी होती है और बाप बीज बनता है जिसमें सारा सार भरा होता है, तो अंतर क्या है? धरणी का मतलब ये है कि धरणी का हिस्सा ज्यादा है और बीज का हिस्सा थोड़ा है, बीज छोटा का होता है। वीर की एक बूंद का एक कण ही काम कर जाता है, और जो स्त्री का जो रज है वो ढेर सारा इकट्ठा होता है। स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो मांस मज्जा बच्चे का तैयार होता है वो तो माँ के ही खून से ही तैयार सारा होता है, पुरुष के खून से थोड़ी तैयार होता है। पुरुष तो सिर्फ बीज डालता है, बराबर बराबर हिस्सा नहीं होता, अंश मात्र होता है। बाबा चिंता हैदराबाद में, चिंता हैदराबाद में कितना संख्या है? 9 लाख आबादी है जी। स्टार्टिंग में वो सभी आ जाएंगे, सबको संदेश मिल गया, संदेश तो मिल गया, साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कारों की लहर चली तो चारों तरफ डुबडुबी जैसी फट गई, सबको संदेश मिला है, माने सब उस आत्मा उस ग्रुप में आने वाली आत्माएं हैं। बाबा थोड़ी सी एडवांस ज्ञान का मिला तो भी वो भी आ सकता है या सिर्फ बीके का संदेश लेकर आने वाले है? नवलाख में ब्रह्मा बाबा बीके का संदेश लेके गए कि एडवांस भी लेके गए? बीके का संदेश वो तो जीते जी लेके गए, लेकिन फिर अभी प्रवेश करके वो आत्मा संदेश ले रही है या नहीं ले रही? दे रही है, मगर एडवांस में देने से वो नहीं आएंगे क्या? सिर्फ एडवांस तो ऐसे भी कोई होते नहीं जो एडवांस से सीधे आ जाए, पूर्व जन्म में जरूर रहे होंगे बेसिक में, तो एडवांस में भी आ जाते हैं। कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, माने यज्ञ के आदमी नहीं थे, फिर भी वो राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में पूर्व जन्म में जरूर रहे होंगे, वो स्वभाव संस्कार और उसके संग का रंग उन्होंने लिया होगा, इसलिए वो इधर आकर्षित हो जाते हैं। पांडव गौ कितने हैं? एक तो कंट्रोलिंग स्थान, एक तपस्या स्थान शांति धाम, दूसरा सुख धाम। में आपने बताया है कि मम्मा और विश्व किशोर बाबू ने कृष्ण के जन्म का धरणी बनाने के लिए निमित्त बनेंगे। मम्मा तो छोटी मम्मा में प्रवेश करके ये कार्य करेंगे, पर विश्व किशोर बाबू का पाठ कैसे होगा? आत्मा है उनमें प्रवेश करेगा, जैसे ब्रह्मा मुख्य बीज में प्रवेश करता है वैसे विश्वेश्वर भी दूसरे नंबर का नारायण बनने वाली आत्मा है, तो जो वो भी अपने बीज में प्रवेश करेगा, मतलब बीज रूप आत्मा में। हाँ, आधार मूर्तों को बीज रूप में प्रवेश करके काम करना है तो कर रहे हैं। अब बाबा गुजरा दे रही है ना आपको 154 सीरी में गुजरा दे रही भी जन्म लेते हैं ऐसे बताए बाबा? जन्म लेते हैं? हाँ बाबा बोला, मतलब ब्रह्मा बाबा के थोड़ा बात बताओ, क्या बताया? जन्म
गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा के साथ ही जन्म लेते हैं ऐसा बताया है। ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेती पहले वर्ग में नहीं आती ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा जो है वो नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, ऐसे ब्रह्मा बाबा नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, वैसे गुलजार दादी भी इस दुनिया में शरीर के रहते रहते प्राप्ति नहीं करेंगे, उनको भी नया चोला लेकर के अपना प्राप्ति करनी है किसी भी जन्म में ले। जैसे ब्रह्मा को नई दुनिया में जाकर के नया चोला धारण करेंगे फिर वो प्राप्ति करेंगे राजा की, ऐसे ही गुलजार दादी भी प्राप्ति करेंगे। वो इस जन्म में इस चोले से उन्हें प्राप्ति नहीं होनी है, इसी जन्म में नहीं है, इसी जन्म में नहीं है, इस जन्म में प्राप्ति नहीं होनी है। और बाबा ब्रह्मा को निवृत्ति मार्ग कहा है पर कराची में भी उसका युगल तीन तो उनको साथ रख के चले कहाँ? अगर उनको साथ रख के चले होते तो जैसे मम्मा साथ में बैठती थी ऐसे यशोदा माता को साथ में बैठाते जंगली में। वो समान पुरुषार्थी मन के ही नहीं थे तो साथ रहेंगे कैसे, साथ जन्म लेंगे कैसे? संगम की लक्ष्मी नारायण भी समान पुरुषार्थी होंगे तभी तो संगम की लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सत्युग में तो जो भी जोड़ियां होंगी वो बराबर पुरुषार्थी होंगी ना, बराबर पुरुषार्थ वाली समान पुरुषार्थी होंगी ना। जोड़ी तो तभी अच्छी होती है जब हर बात में समानता हो, एक मोटा हो एक बिल्कुल छोटा हो तो जोड़ी कैसे बनेगी? तो ब्रह्मा के साथ आखिरी जन्म में जो व्यक्ति जो आत्मा सहयोगिनी शक्ति के रूप में बनी वो तो आखिरी जन्म का चोला है। आखिरी जन्म की प्रारब्ध तो घटिया ही होती है, पहले जन्म की प्रारब्ध श्रेष्ठ होती है। और सत्युग त्रेता में जो 21 जन्म के सहयोगी बनते हैं तो वो द्वापर कलयुग में थोड़ी उतना हो पाता है, द्वापर कलयुग में तो चेंज हो जाते हैं। आखिरी जन्म के जो युगल हैं वो अगले जन्म में चेंज होंगे। यहाँ के संकल्पों के आधार पर, संकल्पों की शूटिंग के आधार, संकल्प दोनों के जहाँ आपस में मिलेंगे वहाँ संग साथ होने की शूटिंग हो जाएगी। संकल्पों का खेल चल रहा है ना अभी तो संगम में। संकल्प तो मेन होता है पर फिर भी कितना युगल जगड़ते हैं इस दुनिया में। हाँ। इस दुनिया में झगड़ते हैं तो उसका कारण यही है कि बेमेल है, मेल नहीं है। यहाँ तो जगत पिता जगदम्बा ही झगड़ते हैं तो जो मुखिया है वो ही झगड़ते हैं तो और दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा तो जब महाकाली का रूप आए तब देख लेना। तिरुपति की यादगार तो है। राम को 14 साल का वनवास कहते हैं और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कहते हैं, इनका बेहद का अर्थ तो क्या है? वनवास का मतलब यह है कि उन्होंने तपस्वी जीवन बिताया, चाहे राम के लिए हो चाहे पांडवों के लिए हो, राजशाही ठाठ में नहीं रहे।
जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों को दिखाते हैं ठाठ बाट की जिंदगी, वो जीवन नहीं है, तपस्वी जीवन है। तपस्वी जीवन अपने लिए भी तपस्वी होता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। वो 16108 में है स्वदेशी सदन में भी आ सकते हैं और स्वदेशी वीजा में भी आ सकते हैं क्या? विदेशी वीजा में जो माला बनेगी 108 की, उस 108 की माला में स्वदेशी ही होंगे या विदेशी भी होंगे? विदेशी भी होंगे, होंगे ना, होंगे। तभी तो नौ तरह के ब्राह्मण नौ तरह के देवता बनेंगे। हाँ, ऐसे ही महावीर वो भी। बाकी 16108 जो प्रैक्टिकल रेफरेंसेस बनेंगे वो त्रेता के अंत तक बनेंगे। हाँ, उनकी शूटिंग यहाँ होगी, कोई थोड़े समय के लिए, कोई लंबे समय के लिए। उनमें से कोई ऐसे भी होंगे कि प्रिंसेस की भी शूटिंग करेंगे और फिर प्रजावन में जाकर के दास दासी भी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बने, उससे तो अच्छा है प्रजावर्ग के साहूकार बनते रहे। 16000 के ग्रुप में नवी आए तो भी क्या हर्ज है, दास दासी का तो तमंगा नहीं लगेगा। बाबा को बेगरे रूप आखिरी जन्म में धारण करना पड़ा। धारण करे तो ऊंचा पद बनेगा ना? नहीं बाबा, उनका वही हाल बनेगा। उनका सालस जो है सभी को वही हाल बनेगा, बनता है। जो जो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। जो जितनी तपस्या करेंगे बैगर बन के फुल बैगर बनेंगे तो फुल प्रिंस बनेंगे। 50% बैगर बनेंगे तो 50% प्रिंस बनेंगे। यहाँ तो त्याग के आधार पर प्राप्ति होनी है ना संगम युग में। संगम युग में दूसरों के लिए जो जितना त्याग कर लेता है उतना भाग्य बना लेता है जन्म जन्म अंतर। ये तो जरूरी नहीं सभी सूर्यवंशी उतना ही सभी सूर्यवंशी जो बच्चे हैं सभी बिक्री नंबर वार त्याग करेंगे। जो त्याग करेंगे सो प्राप्ति करेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं करेंगे। संगम युग में राजाई भोग लेना माना वहां की राजाई गवा देना, और संगम युग में सेवाधारी बनकर के रहना माना वहां प्राप्ति कर लेना। अंत में राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, ये कब होगा, किन किन के द्वारा होगा? किन किन के द्वारा होगा? एक ही तन में राम और कृष्ण के द्वारा ही होगा, दूसरे एक ही तन में दोनों पार्ट बन सकते हैं ना। तो कृष्ण की आत्मा नहीं है उसके अंदर, कृष्ण की सोल भी है, कृष्ण की सोल भी है, राम की सोल भी है। वो तो जगत के माता पिता है, तो जो पिता है वो कंसियों जरासंधियों का माँ नहीं होगी, और जो क्या नाम रावण है संप्रदाय, उन रावण संप्रदाय का कोई बाप नहीं होगा, उनका पराभव कौन करेगा? रावण भी अंत में जाके एक ही बने, उसके लिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वो सब कुछ है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। विष्णु को नहीं कहेंगे कि राक्षसों को सपोर्ट करता है, राक्षसों को भी वर्षा देता है, वरदान देता है।
जब कंचन का यह प्रोसेस होती है तब बाहरी दुनिया डरती है क्या? कंचन काया सबकी थोड़ी बनेगी, कंचन काया तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो चार चार आत्माएं ऊपर से उतरती जाएंगी उस स्टेज से, ऊंची स्टेज से, और वो बनती जाएंगी। सबकी एक साथ कम कंचन काया थोड़ी बननी है, तो सन 36 तक कंचन काया बनती रहेगी। तो बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया क्यों नहीं रहेगी? 36 तक हो रहेगी। अब कब तक रहेगी ये थोड़ा ही बताया जाता है। वो एक ही बात अटक जाती है कि विनाश कब कब होगा। विनाश के बाद जब सारे 500 करोड़ आत्माएं सुप्रीम सोल शिव के साथ वापस परमधाम चलेंगे, तब अंत में शंकर की सोल भी एक सेकंड के लिए परमधाम अंत में जाएगी। वो तो सबसे पहले प्रवेश करती है परमधाम, वो सबसे पहले प्रवेश नहीं करेगी। राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा? पहले परमधाम से मात पिता की सोल उतरेगी या राधा कृष्ण की सोल उतरेगी? मात पिता। ठीक, तो उस समय बाहरी दुनिया में कोई सोल बचेंगे क्या? क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि अंत में शंकर जाता है, शंकर की सोल सब अंत में जाती है। हाँ, उसका तब तक सूक्ष्म बदन, तब तक सबको सूक्ष्म बदन में ठहरना पड़े। हाँ, तब तक सबको सूक्ष्म बतन में ठहरना पड़े, भले सही छोड़ दे लेकिन सूक्ष्म बतन में ठहरना पड़ेगा। हाँ जी, परमधाम सब आप साथ ही जाना है। अमृत वेला में हम काम भी कर सकते हैं। अमृत वेला काम करने के लिए मना कहाँ किया है? कोई काम है तो करो, कोई काम नहीं है तो कहाँ से करेंगे? भाव तो कहते हैं कर्म करते हैं, याद में रहो, अच्छी बात। जगन्नाथपुरी का यादगार दिखाया है, हाथ से टूटा हुआ है, वो लक्ष्मी आने के पहले की, लक्ष्मी आने के पहले की बात है या बात की बात? लक्ष्मी आ जाएगी तो फिर स्थापना हो जाएगी शुरू, उसकी बात ही नहीं पहले की बात है। तो 2008 के पहले की बात, ये टाइम नहीं बताया जाता है। टाइम आप ही बताए, हमने वही नहीं बताया टाइम। 3.5 साल के अंदर की हाँ, 3.5 साल के अंदर लक्ष्मी आ जाएगी। लेकिन आ जाने पर वो किससे मिलेगी? जगदम्बा से मिलेगी, लास्ट मणके से मिलेगी या फर्स्ट मणके से मिलेगी, ये कुछ तो नहीं बता दिया। पर आ जाएगी। हाँ, तो वो अपना काम शुरू कर देगी। सन 76 में जगत पिता का काम शुरू हुआ प्रैक्टिकल में, लेकिन कौन संपर्क में आए? आखिरी वाले संसर्ग संपर्क में पहले आए या फर्स्ट में आने वाले संसर्ग संपर्क में आए, ये तो नहीं बताया। पहला बच्चा माँ बाप के प्यूरिटी पावर से पैदा होते हैं और तो पावरफुल बनते हैं, इसीलिए उसको राजा ही दिया जाता है। अगर पहला बच्चा बच्चा के बदले बच्ची पैदा हो जाए तो होती नहीं, वो तो सती उतरेता है, पहले बच्ची पैदा हो ही नहीं सकती। बाद में द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग में तो बच्चियाँ होती नहीं, वहाँ तो सब बैलेंस छूट जाता है। बच्चियाँ भी पहले पैदा होती है, बच्चे भी पैदा पहले पैदा होते हैं। बच्ची को स्त्री चोला है ना, स्त्री चोला को राजा ही नहीं मिल सकती। चोला यहाँ यहाँ ही फाउंडेशन पड़ जाता है। विजय वाला भी स्त्री चोले हैं, पुरुषार्थ भी अच्छे करने वाले हैं, प्योरिटी भी अच्छी मेंटेन करने वाले हैं, फिर भी राजा नहीं बनते, क्योंकि दूसरों को कंट्रोल में रहने की शूटिंग कर ली, आधीनता की शूटिंग कर ली। आधीन रहने वाला अधिकारी बन ही नहीं सकता। स्त्री चोला ही द्वापर उसे ऐसा है जो उसे किसी न किसी का संरक्षण चाहिए। अपने अपने पार्ट को कितने लोग जानेंगे? सिर्फ 9 लाख या बाकी 500 करोड़ भी अपना अपना पार्ट जानेंगे।
आत्मा एक्टर है तो एक्टर को अपना पार्ट याद होगा तभी तो एक्ट करेगा। अगर उसकी बुद्धि में एक बार पार्ट के बारे में बैठेगा ही नहीं तो एक्ट क्या करेगा। जैसे वो जान जाएंगे अंत में, पर अभी अव्यक्त हमारे में आता है क्या? क्या जान गए हो? जान गए हो पूछा? इसका मतलब ये थोड़ी जान गए हो। कोई भी नहीं जाना, कोई भी कैसे नहीं जाना? सिर्फ एक को छोड़कर रामकृष्ण की आत्मा दोनों नहीं चलेंगे साथ साथ? कृष्ण की आत्मा को नहीं पता चलता है? उन दोनों को छोड़कर पहले माँ बाप के पार्ट क्लियर होंगे 84 जन के, फिर बच्चों के शुरू होंगे। उसे भी पहले जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो अपने जानेंगे कि वो ज्यादा जन्म सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी है वो ज्यादा जन्म ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ रहते हैं, उन्होंने ज्यादा जन्म साथ निभाया होगा, उन्हें ज्यादा स्मृति आ जाएगी। जो दूर हो गए होंगे उतना साथ नहीं निभाया होगा उनको स्मृति नहीं आएगी। यहाँ इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना क्लियर ज्ञान, इतना विस्तार में ज्ञान मिलता है एडवांस का, और वो ज्ञान लेने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी वो कह देते हैं कुंवर का दादी जहाँ कहेंगे तब हम मानेंगे। तो ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है तो क्या है? उन्हें वही अच्छा लगता है, उनका दिल वहां ही गवाही देता है। तो ये दिल है, दिल जिसके ऊपर जहाँ आ गया वही उनके लिए श्रेष्ठ है। नारायण को याद करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बाबा कहते हैं। तो साकार में निराकार को याद करना माना नारायण को याद करने, इसके इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? साकार कौन सा साकार? कौन से दूसरे नंबर का नारायण, चौथे नंबर का नारायण, वो साकार नहीं होगा? हाँ, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसमें निराकार बिंदु को याद करना, वो ही निराकार है। नर नारायण को याद करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचा तो पद और किसी का बनता भी नहीं है, तो ऊंच बन पा रहे हैं। आदि में तो सेवक राम ने यज्ञ छोड़कर चला गया इसीलिए वो फेल हो गया, वो और चांडाल पद को पाता है क्योंकि वो दिया हुआ दान को वापस ले लिया। वो कौन सा दान वापस लेता है? सब कुछ तो ले लिया यज्ञ में से, जब लड़ाई लड़ी यज्ञ के अंदर लड़ाई ही लड़ ली तो सब कुछ तो वापस ले लिया। कुछ धन संपत्ति, धन भी है, धन संपत्ति लिया न लिया होता, अगर वापस न लिया होता तो अगले जन्म में गरीब क्यों बनता? गरीब बनने का भी कोई कारण होना चाहिए ना। ईश्वर का ज्ञान लिया, ईश्वर प्रवेश किया और फिर उसके बाद भी कोई अगले जन्म में जाकर के गरीब बने, गरीब घर में जन्म ले, तो उसको क्या कहेंगे? कुछ सौ गुना पाप का बोझा चढ़ाया होगा ना। वो मौन तब आया ही मौन तब कह लेना पड़ेगा अंत में, ऐसे बाबा ने बताया ना। क्या मौन तब खरीदना पड़ेगा? कहना पड़ता है सारा, आप वही खरीद करना पड़ेगा। वो किससे कैसे है बाबा? किससे कैसे है माना, गवर्नमेंट से या बीके वालों से? बीके वालों का हो चाहे किसी का, बीके वाले तो ऐसे ही छोड़ के भागेंगे। तब वो सभी हमारा हो जाएगा ना, जब गलतियाँ जब पकड़ी जाएंगी वो तो खुद ही छोड़ करके भाग जाएंगे। वो लेकिन जो और लोग हैं चाहे वो पब्लिक के लोग हो चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन हो, वो सारी ही जमीन खरीद करनी पड़ेगी। तब 4.5 लाख बच्चे वहाँ पल सकेंगे, तो 4.5 लाख की परवरिश कैसे होगी? स्थान तो चाहिए ना। इसीलिए वो गवर्नमेंट से ही भी कह लेना पड़ता। अभी अभी मैसूर की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख है, 12 लाख
10 लाख हाँ 10 लाख मवेशियों की पॉपुलेशन है। अब इसके आधे के लिए आधा मैसूर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो माउंट आबू बहुत छोटा है उसके मुकाबले। उधर सारी सुविधा टीवी मोटर कार वगैरह टीवी अभी नहीं है बस वहाँ बस सकते हैं। मोटर कार अभी नहीं है? अभी तो है, जब 4.5 लाख होंगे और खरीदेंगे और बाहरी दुनिया का विनाश होता जाएगा तब अंत तक वो तो देखेंगे नहीं, इन आंखों से विनाश को नहीं देखेंगे। विनाश को देखेंगे तो टीवी में देखेंगे। टीवी में देखेंगे सारे टेलीफोन टीवी और सब सुविधा होंगे। टेलीफोन तो उस समय रहेंगे नहीं क्योंकि अभी तो अभी टेलीफोन खत्म होने वाले हैं, वायरिंग थोड़ी रहेगी, वायरलेस ही जब इतना ज्यादा विकसित हो रहा है तो वायरिंग की क्या जरूरत। बाबा बीच बीच स्टेज माना निराकारी निर्विकारी और निराहंकारी बनना। निर्विकारी माना 5 विकारों से मुक्त बना, लेकिन अलग से ये शब्द क्यों डाला गया निराहंकारी बनना? अहंकार देह का अहंकार नहीं आता है निर्विकारी में? विकार बात अलग है, देह का अहंकार अलग है। 5 विकारों का बाप कौन? वो देह अहंकार कहा जाता है। देह अभिमान कहो चाहे अहंकार कहो, देह अहंकार नहीं आएगा तो कोई विकार नहीं आएगा। देह अहंकार आता है तब सब विकार आते हैं। बाबा ये देह अहंकार माने क्या? देह अहंकार मैं कौन हूँ देह समझना, इस स्मृति में आना मैं राजा हूँ। अरे राजा क्या, राजा के जो 2 हाथ पांव नाक कान होते हैं तो वो एक सामान्य मनुष्य को भी होते हैं। तो मैं राजा हूँ ये अहंकार कहाँ से आया है? मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, होना चाहिए मैं आत्मा हूँ। बाबा अष्टदेव में सूर्य कौन है और गुरु कौन है? सूर्य तो वास्तव में ज्ञान सूर्य शिव है, वो सदैव रोशनी देने वाला है, लेकिन वो जब जिस सितारे में प्रवेश करता है तब वो साकार रूप धारण करता है, गुरु कहा जाता है सदगुरु। अष्टदेव में शनि देव को भी बहुत गायन और महत्व है, महिमा है, उसको भी भक्ति मार्ग में बहुत पूजा की जाती है, उसका विशेष होता है। कुछ प्योरिटी मेंटेन की होगी तो जो सूर्यवंशी ग्रुप में आवेंगे वे पूरे ही कांड में ही आवेंगे क्या? नहीं, उनका संख्या कितने हैं? सूर्यवंशी आत्मा है वो तो ज्ञानी आत्मा है ना, ज्ञानी आत्मा है तो आज से अंत तक ज्ञान में मजबूती रहेंगी, दूसरे धर्मों के मुकाबले तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, छिलका चढ़ेगा दूसरे धर्मों का। जैसे यहाँ भारत में भी रहेंगे तो भी दूसरों का छिलका चढ़ेगा नंबर वार, क्योंकि बीज भी एक तरह की नहीं है ना, अलग अलग किस्म के बीज है, कोई पक्के सूर्यवंशी ये बात क्लियर नहीं हुआ। तना में कितने संख्या आते है? तो सारी जो बीज है वो कभी कन्वर्ट थोड़े होते हैं अपने जीवन में, नहीं
हाँ तो सारे ही है। साढ़े चार लाख जो भी बीज है वो भी है, और जो सन 36 में जन्म ले जाएंगे साढ़े चार लाख वो भी 16 कला संपूर्ण। धर्म पिता ने द्वापर से नीचे आते हैं, हाँ धर्म पिता द्वापर से नीचे उतरते हैं, क्या वे लोग संगम युग में बीके बनेंगे? सारी दुनिया को बीके बनना, ब्राह्मण तो सबको बनना पड़े, धर्म पिता हो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण तो बनना ही पड़े, ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया बनेगी। जब तक ब्रह्मा को सब अपना बाप मानेंगे, एडम को कौन नहीं मानेगा? आदम या एडम को सारी क्रिश्चियन लोग नहीं मानेंगे क्या? तो सारी सृष्टि के माँ पिता है उनको तो मानना ही पड़ेगा, मानेंगे तो ब्राह्मण बन गए। भारत की हिस्ट्री में तो हम ढेर सारे छोटे बड़े राजाओं को देखते हैं, और सारे जगत में भी बहुत राजा आ चुके हैं, फिर भी राजाओं के माला तो सिर्फ 108 की है गायन। तो हर धर्म की माला अपनी अपनी अलग अलग होती है ना, 108 की तो यहाँ है भारत में गाई जाती है, बाकी दूसरे धर्मों की तो अपनी अपनी माला है, जो माला है वो वहाँ अपने अपने देशों में राजा बनेंगे। वेद व्यास ने जो मूल कृति रचा था ना द्वापर के आदि में, कौन सी कृति? किस? महाभारत और गीता। हाँ। उसमें गीता का भगवान निराकार था। हाँ। अरे निराकार तेज वाला था गीता का भगवान, उसमें सच्ची बात थी, बाद में उसे हटा करके जो और क्लेरिफिकेशन देने वाले आए परवर्ती, उन्होंने उनका नाम डाल दिया, कृष्ण ने ही डाला होगा, कृष्ण की आत्मा ने ही डाला होगा, फिर और उसको फॉलो करते गए। यज्ञ की आदि से ही तो शूटिंग हो गई, यज्ञ की आदि में भगवान ने किसको मान लिया? सूर्यवंशी चले गए तो किसको भगवान का रूप मान लिया? है ब्रह्मा को मान लिया, गीता भगवान कैसे हो गया? गीता माता है ना, उसका आगे का नाम कंकण माता है क्या? कंकण गीता माता का आदि नाम कंकण माता, किस आधार पर बोला? जयंती बोला। हाँ तो आधार क्या है उनसे पूछने का? उसका कोई ने सुने बात भारतवासियों में दुर्गति पाई हो तो नहीं बाबा, हम कैसे कन्फर्म करें? हम भी तो कोई प्रूफ के आधार पर बताएंगे। बाबा ने जो भी एडवांस नॉलेज सुनाई होगी वो एडवांस नॉलेज का कोई प्रूफ मुरली में होगा तभी तो सुनाएंगे, मुरली में उसका प्रूफ नहीं होगा तो सुनाएंगे कैसे? फादर शो शो फादर कहा जाता है, कितने बच्चों ने निमित्त होते हैं बाप की प्रत्यक्षता करने में? एक कृष्ण बच्चा या 8 या 108? कृष्ण बच्चा का, कृष्ण बच्चा भी है का? नहीं नहीं नहीं, साकार में कहा है कृष्ण बच्चा? साकार में तो नहीं है, साकार में नहीं है, है। पहले तो 8 निमित्त बनते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं।
फिर 108 भी है जो प्रत्यक्ष करेंगे सो प्राप्ति करेंगे। जितनी गहराई तक खुद बाप को मानेंगे उतनी गहराई तक दूसरों को बाप को मनवाएंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तैतीस करोड़ देवताओं की गायें हैं, वे कलयुग के अंत तक आएंगे, उन्होंने सचयुग में आते ही नहीं, उनका क्या विशेष? 33 करोड़ आते नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, 23 करोड़ सचयुग में नहीं आते हैं। हाँ, 10 करोड़ सचयुग और त्रेता में आ रहेंगे, और 23 करोड़ जो है वो द्वापर कलयुग में आके जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ द्वापर कलयुग की शूटिंग जब होती है तब आकर पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान लेते हैं। जब शूटिंग में आवेंगे तभी तो उनका शूटिंग ब्रॉड ड्रामा में आवेंगे। उनको कैसे पहचान सकते हैं बाबा, वो 33 करोड़ देवताओं के लिस्ट में आए हैं? वो 33 करोड़ उनका विशेषता क्या है? कैसे पहचानते हैं ये 33 देवता? जो जो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनमें जो ज्ञान की रमक होगी वो सत्युग में फर्स्ट जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे उनमें उतनी ज्ञान की रमक होगी नहीं होगी, और उसके बाद जो डायनेस्टी आएगी सेकंड नारायण की जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें राधा कृष्ण जैसी ज्ञान की रमक होगी नहीं होगी, ऐसे ही नंबर वार होते जाएंगे। त्रेता के अंत में जो आत्माएं उतरेंगी वो और ज्यादा गिरी, सबसे ज्यादा गिरी हुई क्वालिटी की होंगी 10 करोड़ के अंदर। उसके बाद जो आएंगे वो और उस ज्ञान कम होगा, वो तो सारे भगत ही भगत होंगे। भक्तों की संख्या एक तरह से हो गई 23 करोड़ और ज्ञानियों की संख्या हो गई 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा है। आदि में जो माताएं थे गीता माता और राधा बच्ची वे भी यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि पूरा ज्ञान का डोज नहीं मिला, मतलब वो शरीर छोड़कर चलेंगे या जीते भी वो शरीर छोड़कर चलेंगे, तो साथ दिया ना ब्रह्मा बाबा का, उनके लिए थोड़े जाएंगे छोड़ के चले गए। कारण या कारण माने मृत्यु कारण बन गई। तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे ना दोनों माताएं, छोड़ के कहाँ चले गए? इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो उससे पहले 46 में 47 के बीच है कोई है जिन्होंने जन्म ले लिया था सही छोड़ दिया बाद में पाकिस्तान बना, तो सही छोड़ना बात अलग है यज्ञ छोड़ना बात अलग है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए छोड़ के चले गए, तो उस लिस्ट में वो माताओं वाली आत्मा थोड़ी आती है। माताओं में अपनी तरफ से ज्ञान कहाँ होता है, तो जितना सुन लेती हैं उतना उनके अंदर ज्ञान आता है। बाकी राम और राम जैसी आत्माएं जो सूर्य जैसी आत्माएं हैं वो छोड़ करके चली गई क्योंकि ज्ञान का डोज उनको मिला नहीं, बुद्धिवादी आत्माएं हैं। जो यज्ञ में यज्ञ के आदि में सन 1936 से 1946 तक दस वर्ष में चला है ना, वो गीता माता यज्ञ में छोड़ दिया,
वही शूटिंग अभी चलता है क्या? क्योंकि गीता मामा गुम होने के 10 वर्ष आता है, वही शूटिंग हो सकता है क्या? 75 तक देवतावर्ण की स्पेशल शूटिंग हुई, देवतावर्ण की आत्माओं की। उसके बाद 76 से लेकर के और 87 तक त्रेतायुग जो क्षत्रियवर्ण की आत्माएं हैं उनकी शूटिंग होती है। उसके बाद फिर द्वापर युग की आत्मा होगी, फिर कलयुग की आत्मा होगी। ऐसे ही अभी फिर चक्र शुरू होता है प्रैक्टिकल में, अभी शूटिंग चल रही है, फिर चल रही है। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो फिर प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे थोड़ी के पहले थे शूटिंग में, अब शूटिंग में नहीं है। वर्ल्ड इंडियन ट्रस्ट ने क्या ब्रह्मा वर्ल्ड इंडियन ट्रस्ट ने क्या ब्रह्मा बाबा की सारी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर हो गया? अगर ब्रह्मा बाबा की अपनी प्रॉपर्टी कोई अलग से थी नहीं, जो यज्ञ है वही उनकी सारी प्रॉपर्टी थी, यज्ञ में जो कुछ भी था। वर्ल्ड इंडियन ट्रस्ट का जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के जो सहयोगी और थे ज़्यादा हितैषी, ज़्यादा स्नेह करने वाले, वो उनको नहीं मालूम पड़ा, उनको पता नहीं होने दिया और बिना पूछे ही उन्होंने वर्ल्ड इंडियन ट्रस्ट बना लिया। अगर हुआ तो उनका सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ी क्या? जरूरी थोड़ी है, उनको उनके सिग्नेचर की जरूरत ही होती। इसे एक तरह से धोखा दे दिया ब्रह्मा बाबा को। क्षत्रिय बनना का मतलब क्या है? छत्र धारण करना, छत्र होता है छत्री। सीढ़ी के चित्र में और झाड़ के चित्र में राम सीता को छत्र के नीचे बैठाया गया है, छत्र छाया के नीचे, और लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया है ही नहीं, ऐसे ही खड़े हुए हैं। जिम्मेवारी उठाने की बात है, जो जितने जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत करता है शिव बाबा की, उसकी उसको उसकी उतनी छत्र छाया मिलती है। राधा कृष्ण वाली आत्माओं ने वो राजा ही स्थापन करने के लिए वो हिम्मत नहीं की, तो उनके ऊपर छत्र नहीं है। राम सीता के ऊपर छत्र छाया है, जितना तुम बच्चे हिम्मत करेंगे उतना तुमको मदद मिलेगी, बाप की छत्र छाया में रहेंगे। धर्म स्थापना की जिम्मेवारी उठाने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना। अधूरे चांद के ऊपर जो सितारा है वो कौन है? है? सितारे के वो चांद के ऊपर सितारे पाकिस्तान के झंडा में चांद भी होता है, सितारा भी होता है, चंद्रमा तो ज्ञान चंद्रमा है, सितारा कौन है? मम्मा है सितारा। ओम की चित्रण का विशेषता क्या है? ओम का तो भक्ति मार्ग में लिखते हैं, उसमें आ भी है, ऊ भी है, माँ भी है, ये विशेषता है उस चित्र में जो ओम बनाया जाता है, उसमें आ भी है, ऊ भी है, माँ भी है। है अक्षर एक ही लेकिन है तीनों है। उच्चारण करते हैं तो भी तीन है, लिखत में भी तीन है। आधार मूल का उधार मूल तो ब्राह्मण प्रपंच के अंदर में है,
और धर्मा पिता बाद उनके जन्म में है अंदर के अंदर में आधार मत उदर्म ब्रह्म प्रपंचल धर्म पिता और वर्गे प्रपंचल अंदर प्रपंच धर्म पिता ये बीके बने हैं या नहीं बने हैं बीके वाले धर्म पिताएं शरीरधारी बने हैं लेकिन उनमें जो प्रवेश होती आत्मा है वो तो ऊपर से आती है द्वापर कलयुग में जो ऊपर की आत्माएं उतरती हैं वास्तव में आत्माएं तो वो हैं जो धर्म पिता का पार्ट बजाती हैं वो भी और शरीरधारी वो हैं जो के आधार मूर्त है वो ऊपर से आते हैं वो धर्म पिता है असली है वो भी अब ब्रह्म कुमारी बने हैं सारी दुनिया अभी बने हैं नहीं बनेंगे वो धर्म पिता जब तक नहीं मिलेंगे निकलेंगे तब तक उनकी फॉलोअर प्रजा मानेगी नहीं एडम को ईव को और इस ज्ञान को और ये जो गिरजाघर है गुरुद्वारे हैं और ये मस्जिदें हैं इनको छोड़ेंगे नहीं मुरली में तो बोला है आगे चल के सब गिरजाघर गिरद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे सब खलास हो जाएगा एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा माने पब्लिक इन सबको खत्म कर देगी तो खत्म तभी करेगी जब वो इधर श्रद्धा बैठाए श्रद्धा तब बैठाएंगे जब उनके धर्म पिताएं निकलेंगे उनके मुखिया निकलेंगे जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं द्वापर युग से तब वो भी मानेंगे जो अपने धर्म के पक्के हैं अभी यहाँ भी ऐसे ही है आधार मूर्तों में आधार मूर्तों के जो फॉलोअर्स हैं जब तक आधार मूर्त नहीं मानेंगे तब तक वो मानने वाले नहीं है बीज रूप में भी जो 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 उनका जो बीज है बीज रूप में भी जो नौ ग्रुप हैं उनके जो मुखिया मुखिया बीज हैं वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो भी नहीं मानेंगे कोई कोई आत्मा जो आते हैं बहुत पावरफुल होते हैं कोई कोई देखा विवेकानंद और वो पावर कब और कैसे है वो पाया यही संगम युग में आ रही किससे पाया वो उतना पावर किससे पाया कैसे पाया उतना पावर कैसे उसको मिल गया यहाँ किस कौन निमित्त बना था विवेकानंद को पावर देने के लिए रामकृष्ण परमहंस बने ना तो ऐसे ही वहां भी है शूटिंग पीरियड में भी है जो भी शूटिंग पीरियड में जो भी आत्माएं यहाँ निमित्त बनती है वो वहां भी निमित्त बनेंगी पर कोई उतना पावर लेते हैं कोई को उतना पावर नहीं मिलता है हाँ ये तो अपनी अपनी पुरुषार्थ की बात है जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उतनी पावर लेगा तो इस संगम युग में उतना पुरुषार्थ करता है तो पावर मिलेगा तो पावर मिलेगा पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पावर नहीं मिलेगा है बाबा आप कहते हैं कि एक्चुअली याद माना साकार में निराकार को याद करना माना आपकी प्रकृति में ही हमारी एकाग्रता को स्थित करना पर हम तो हर रोज आपकी चित्रों को चैतन्य चित्रों को टीवी में सीरीज में देखते हैं क्या ये भी याद कर सकते हैं या नहीं तो सिर्फ सन्मुख का जड़ चित्र में देखने से ही अगर हो जाए तो फिर मिलने की क्या दरकार साकार में मिलने की दरकार है अगर जड़ चित्र से ही सारा काम हो जाए तो साकार में मिलने की दरकार रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं रहेगी फिर साकार के वाइब्रेशन अपने होते हैं टीवी के वाइब्रेशन अलग तरीके से होंगे टीवी से जड़ तुम्हें ही वाइब्रेशन मिलेंगे और साकार से चैतन्य वाइब्रेशन मिलेंगे सन्मुख मुरली सुनने का अपना महत्व होता है और टीवी टेप रिकॉर्ड से सुनने का डिग्रेड हो गया चलते
अच्छा।